नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी 2018 के एडमिट कार्ड के लिंक जो हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। दोस्तों, मैंने आपको आज सुबह एक वीडियो पहले बना कर दिया था कि आपके एडमिट कार्ड जो हैं 7 फरवरी तक आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी कुछ एक वेबसाइट के कुछ एक रीज़न के जो हैं एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कौन कौन से रीज़न के एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हुआ है वही चलो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए चलते हैं और आपको किस तरीके से उन एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए चलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। जैसे ही आप ssc.nic.in गूगल पर लिख कर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, एडमिट कार्ड का एक कॉर्नर दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ये क्लिक करने के बाद हमारे सामने दूसरा जो है विंडो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी अभी 4 रीजन्स के जो है एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, उनके जो लिंक है एक्टिवेट किए गए हैं। वो कौन कौन से रीज़न है? ईस्टर्न रीजन से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है SSC GD का, तो आपके एडमिट कार्ड मौजूद यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। साउथर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, नॉर्थ रीजन के अभी एडमिट कार्ड नहीं आए, माफ़ कीजिएगा। ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्ट रीजन और MPR मध्य प्रदेश रीजन के, इन 4 रीजन के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आपने किस रीजन से फॉर्म फिलअप किया है, वो आप देख सकते हैं। बाकी 4 रीजन्स के जब भी आते हैं मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो लेकिन इन ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और मध्य प्रदेश रीजन के जो एडमिट कार्ड हैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर MPR पर जो है क्लिक किया तो हमारे सामने जो है ये अगला विंडो जो है अपने सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग का जो MPR मध्य प्रदेश रीजन का जो विंडो है वो हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कॉन्स्टेबल GD इन सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज CAPFS, NIA एंड SSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 टू बी हेल्ड फ्रॉम 11/2/2019 टू 11/3/2019, ठीक है दोस्तों। तो ये लिंक अभी अभी जो है एक्टिवेट हुआ है, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, हमारे सामने एक और विंडो जो है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी है वो डालना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मंथ, ईयर यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। सेलेक्ट सिटी आपको एग्ज़ाम कोड दिया था और यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपका रोल नंबर जो है ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा, फादर नेम डालना होगा, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसके बाद सेलेक्ट सिटी डालने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो मैंने बताया MPR रीजन के बारे में। अगर आप और रीजन्स की डाउनलोड लिंक देखना चाहते हैं तो हमको एक बार पीछे जाना होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश रीजन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न रीजन का भी जो है लिंक एक्टिवेट हो गया। तो आपको इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा वेस्टर्न रीजन पर, यह हमारे सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी साइट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है ये ओपन नहीं हो पा रहा। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर स्टेनोग्राफर, माफ़ कीजिएगा, ये अभी जो एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन इसमें अभी अभी जो है इसके लिए एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ गया था, लेकिन अभी साइट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे सामने ओपन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप ईस्टर्न रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जिन रीजन्स के बारे में मैंने बताया कि उन रीजन्स के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उनका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि आपने कौन से रीजन से फॉर्म फिलअप किया था, तो आप उन पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम कब का है, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड के अंदर मिल जाएगी। लेकिन जो भी 2-4 जो रीज़न बचे हैं उनमें भी एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आपके जो लिंक है एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।